हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे कपकेक लाइनर्स और उसके साथ ही साथ बनाएंगे लावा केक मोल्ड, जो कि बनाने में काफ़ी आसान है और इसको बनाने में आपको मज़ा भी बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लावा केक का मोल्ड। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक खाली आइसक्रीम का कंटेनर। आप कोई सी भी साइज़ का कोई सा भी ले सकते हो। तो इसको मैंने ऐसे उल्टा रख दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है एल्युमिनियम फॉइल, ये 15 सेंटीमीटर का है दोनों साइड से। अब हम इसको सेंटर में से रख कर इस तरीके से प्रेस कर देंगे, उसको अच्छे से हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करते रहेंगे और इसको ऐसे बराबर से कर देना है। जो गैप वगैरह दिख रहा है तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो देखिए बराबर से सेट हो गया है। अब ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं उसको हम करेंगे कट। तो आप इसको ऐसे कीजिए और कट कर लीजिए। तो इसी तरीके से मैं सबको कर लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए मैंने सबको कर लिया। और अब ये जो थोड़ी अनइवन एज दिख रही है तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इवन कर लेंगे एकदम। तो गाइस ये देखिए मैंने कर लिया और अब हम इसको धीरे से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा लावा केक मोल्ड रेडी है। आप इसमें चाहे तो कपकेक भी बना सकते हैं। तो ये बन गया हमारा लावा केक मोल्ड। अब चलिए बना लेते हैं गाइस कपकेक लाइनर्स। तो इसके लिए मैंने लिया है ये पेपर, एक कलर पेपर है और दो प्लेन A4 साइज़ के जो वाइट पेपर आते हैं उसमें से मैंने ये 10-10 सेंटीमीटर्स के कट कर लिए हैं। अब इसको मैं जो है कलरफुल बनाऊँगी। तो ये मेरे पास कुछ स्केच पेन्स हैं, आप कोई से भी कलर के ले सकते हो। और इससे मैं इस पेपर पर हार्ट बना लेती हूँ कुछ इस तरीके। तो मैं ये जो तीन कलर हैं इसे हार्ट बना लेती हूँ पूरे पेपर पर। तो गाइस ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बना लिए। आप कोई से भी अपना मनपसंद पैटर्न बना सकते हो और मैं ये दोनों पर भी बना लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए मैंने कुछ अलग अलग कलरफुल बना लिए पैटर्न्स। अब चलिए बनाते हैं कपकेक लाइनर। तो सबसे पहले पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। आपको वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही फोल्ड करना है। और फिर एक बार ऐसे फोल्ड कर लीजिए। अभी ये वाला जो साइड है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। पूरा एकदम परफेक्ट सर्कुलर ना हो तो भी चलेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब ये जो पॉइंट है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये जो है करीब 2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। अब इसको पलट देंगे और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ध्यान रखें जो पार्ट हमने फोल्ड किया है उसको नहीं करना है फोल्ड। ये इस तरीके से मैं zigzag कर रही हूँ। और ये जो है नीचे से बारीक होने चाहिए और ऊपर से ज़्यादा। तो इस तरीके से मैं पूरा कर लेती हूँ। तो ये पूरा करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है गाइस। अब हम इसको खोल लेंगे। तो गाइस ये देखिए कुछ इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए ये हमारा कपकेक लाइनर रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा नेल से परफेक्ट शेप दे देते हैं कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा अपने अच्छे से को एडजस्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से। तो गाइस ये कपकेक लाइनर रेडी है। अब मैं दूसरे पेपर्स के भी रेडी कर लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए ये हमारे परफेक्ट कपकेक लाइनर रेडी है। अब आप इससे कपकेक बनाओगे तो काफ़ी क्यूट लगेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।